वेलकम बैक नाज़रीन। कुछ बात कर लेते हैं। सिंध पुलिस ने एक बड़ा फैसला किया है। दहशतगर्दी से निपटने के लिए इस वक्त ये फैसले ज़रूरी समझे जा रहे हैं। क्विक रिस्पॉन्स काउंटर टेररिज्म यूनिट तैयार करने का फैसला किया गया है। किस तरह से यूनिट काम करेगा और उसकी ट्रेनिंग कौन सा इदारा करवाएगा, ये तमाम चीज़ें जानते क्राइम रिपोर्टर हारून रशीद से। हारून, ज़रा बताइएगा कि ये जो सिंध पुलिस ने फैसला किया है, ये फैसला किस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए किया है और ये डिपार्टमेंट करेगा क्या? देखिए बलाल साहब, कराची पुलिस ऑफिस पर हमले के बाद सिंध पुलिस ने क्विक रिस्पांस काउंटर टेररिज्म यूनिट तैयार करने का फैसला किया गया है, जिसके 100 एहलकारों को पाक बेरिया से कमांडो ट्रेनिंग दिलाई जाएगी। सिंध पुलिस के नौजवानों को दहशतगर्दों से मुकाबले करने, शहरियों को अगवाकारों के जंगल से छुड़ाने के अलावा पेशा वाराना महारत से आरास्ता किया जाएगा। काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट जराये के मुताबिक कराची ऑफिस पर हमले के बाद एडिशन आईजी सीडी इमरान याकूब नवाज की जेर सदारत एक अहम इजलास हुआ है, जिसमें DIG CDD जुल्फकार, SSP CDD तारिक नवाज समेत देगर पुलिस के आला अफसरान ने शिरकत की है। इस अहम इजलास में काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के नौजवानों को पाक बहरिया से कमांडो ट्रेनिंग दिलाने के फैसले के तहत 25 एहलकारों पर मुश्तमिल बेंच इस माह तरबियत का आगाज करेगा। ठीक है। जराए CDD के मुताबिक कराची पुलिस ऑफिस पर हमले के बाद दहशतगर्दों का बेहतरीन अंदाज में मुकाबला करने की कमी को महसूस किया गया है, जिसके पेशे नजर अफसरान ने CDD नौजवानों की कमांड ट्रेनिंग का फैसला किया है। जराए का मजीद कहना था कि नौजवानों को तरबियत के हवाले से पाक बहरिया के आला अफसरान से राब्ता भी कर लिया गया है। पाक बेरिया का स्पेशल सर्विस ग्रुप 4 मरहलों में 100 एहलकारों को तरबियत देगा, जिसके दहशतगर्दी के किसी भी वाक़े में काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट का कमांड ग्रुप पहला क्विक रिस्पांस यूनिट होगा। चलें, ठीक है। बहरहाल बहुत शुक्रिया। ये सिंध पुलिस का जो क्विक रिस्पांस काउंटर टेररिज्म यूनिट है, इसके लिए जो है वो फैसला कर लिया गया है। 100 एहलकारों को जो पाकिस्तान नेवी है उसके कमांडोज ट्रेनिंग देंगे और साथ साथ पहले बैच की अगर बात की जाए तो पहला बैच 25 एहलकारों पर मुश्तमिल है। अब देखना ये है कि कब तक ये पहला बैच जो है वो एग्जीक्यूट किया जाता है और फिर इस यूनिट का इफ्तिताह करके जो दहशत गर्दाना हमले हैं उनसे निपटने के लिए इनको डिप्लॉय किया जाता है। पैरेलल प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ है। अल्लाह हाफ़िज़।